शारदीय नवरात्रि पर्व पर जहां सभी जगह माता जी का पंडाल लगा हुआ है, वहीं सिद्धार्थनगर जिले में चल रहे सतचंडी महायज्ञ श्री राम कथा में भारी संख्या में श्रोता कथा श्रवण कर रहे हैं। वहीं डुमरियागंज सांसद पहुंचकर महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त किए। डुमरियागंज विधानसभा तुरकौलिया तिवारी में भाजपा पूर्व जिलाध्यक्ष नरेंद्र मणि त्रिपाठी के द्वारा चंडी महायज्ञ श्री राम कथा चल रही है, जहां कथावाचक बाल संत श्री राम श्री स्वरूपानंद जी महाराज के मुखारविंद से श्रोता कथा श्रवण कर रहे हैं। वहीं कथा में पहुंचे डुमरियागंज सांसद जगदम्बिका पाल और डुमरियागंज थाना अध्यक्ष संजय मिश्रा ने श्री स्वरूपानंद जी महाराज से आशीर्वाद प्राप्त किया। इस कथा में भगवान के विवाह का वर्णन महाराज जी ने भक्तों को सुनाया। वहीं भगवान के विवाह में भक्त झूम कर नाचते नजर आए। कार्यक्रम कथा का चतुर्थ वर्ष है और आज कथा का खष्टम दिवस भगवान सीताराम जी का विवाह उत्सव मनाया गया। शारदीय नवरात्रि के इस अवसर पे सभी श्रोताओं को सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। श्रीराम कथा के माध्यम से हम दुनिया को बताना चाहते हैं कि समाज में भगवान श्री राम ने जो आदर्श स्थापित किया, भाई भाई का रिश्ता भाव, बाप बेटे का रिश्ता, पति और पत्नी का रिश्ता, इस कथा के माध्यम से हम सभी को बताना चाहते हैं लोग अपने जीवन में भगवान राम के आदर्श को उतारने का अनुकरण करने का प्रयास करें। कथा में महाराज जी अक्सर देखते हैं कि महिलाओं की संख्या अधिक रहती है और पुरुष कम आते हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहली बात तो माताओं में बहुत भक्ति होती है और जो धर्म चल रहा है वे वास्तव में माताओं की उसमें बहुत बड़ी बड़भागी है। ये सचंडी महायज्ञ और कथा विगत 4 वर्षों से मेरे यहाँ चल रहा है। हमारे बड़े पुत्र थे, संयोग से वो नहीं रहे, उनकी स्मृति में मैं हर साल सचंडी महायज्ञ और राम कथा मैं करवाता हूँ। समाज को एक संदेश देता हूँ कि राम है और इस दुनिया में कोई नहीं है जो राम के लिए नहीं होगा, वो किसी के लिए नहीं होगा। इसलिए मैं इस गांव में यहाँ जहाँ राम का चर्चा ना हो ये पंडाल लगा करके लोगों को संदेश देता हूँ कि राम का चरित्र, माँ सीता का चरित्र, भाई भरत का चरित्र ये देख करके जावें, उसका अनुकरण करें और समाज में। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।